वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीमेंस के इंटीग्रेटेड डिशवॉशर के बारे में। सो मेनली ये दो टाइप्स के डिशवॉशर आपको बिल्ट इन कैटेगरी के अंदर देखने को मिलते हैं। लेफ्ट वाला है फुली इंटीग्रेटेड एंड राइट वाला है सेमी इंटीग्रेटेड। फुली इंटीग्रेटेड का मतलब है जो भी आपके किचन मैचिंग का वुडन का पल्ला होगा वो इस डिशवॉशर के बाहर पेस्ट हो जाता है, एंड इस डिशवॉशर को ओपन करने के लिए ये एक्सटर्नल हैंडल्स भी आपको लगाना पड़ता है, एंड जो भी इसका कंट्रोल पैनल होता है वो सब डिशवॉशर के टॉप साइड में होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो लुक वाइज ये बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देता है। देन दूसरा आपको मिलता है सेमी इंटीग्रेटेड। सेमी इंटीग्रेटेड का मतलब कि हाफ वुडन का पल्ला आपको इसमें पेस करना पड़ता है, एंड इसका कंट्रोल पैनल जो है फ्रंट साइड पर रहता है, तो यहाँ से आप इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं एंड डिस्प्ले वगैरह इसमें शो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सीमेंस के IQ500 सीरीज के सेमी इंटीग्रेटेड डिशवॉशर के बारे में बात करेंगे। कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। ये है जीमेंस का IQ500 सीरीज का सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर, एंड इस डिशवॉशर का मॉडल नंबर है SN55HS00VI। 14 प्ले सेटिंग के साथ ये मॉडल आता है। 14 प्लेस का मतलब 14% मील कंज्यूम करते हुए जितने यूटेंसिल्स वो यूज़ कर रहे हैं, आप इस डिशवॉशर के अंदर एक बारी में उन सभी यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं। एंड इस डिशवॉशर का करंट MRP है 1,10,990 का। एंड इस डिशवॉशर के अंदर आपको रिमोट स्टार्ट का फीचर देखने को मिलता है। जीमेंस का ये डिशवॉशर एक IoT इनेबल्ड डिशवॉशर है, मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाती है। तो जीमेंस की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस डिशवॉशर को अपने मोबाइल के साथ पेयर कर सकते हैं। देन पेयर करने के बाद कई सारे ऑप्शंस आपको इस होम कनेक्ट ऐप के थ्रू देखने को मिल जाते हैं, लाइक रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स, इंटीग्रेशन विथ वॉइस असिस्टेंट एंड स्मार्ट वॉचेस, नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स, अप्लाइंस सॉफ्टवेयर अपडेट, ईजी स्टार्ट असिस्टेंट एंड रिमोट डायग्नोसिस। तो एक बार इन सभी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। सो रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर आप अपने रिमोटली डिशवॉशर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके टाइमिंग को आप चेंज कर सकते हैं, प्लस डिशवॉशर के करंट रनिंग साइकिल का भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स के अंदर कंपनी अगर कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो उस प्रोग्राम को भी आप डाउनलोड करके अपने एग्जिस्टिंग डिशवॉशर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस डिशवॉशर के अंदर आपको इंटीग्रेशन मिलता है विद वॉइस असिस्टेंट एंड स्मार्ट वॉच, जिसमें Amazon Alexa, Fitbit, Apple Watch के थ्रू आप इस डिशवॉशर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स भी आपको डिशवॉशर के आपको अपने स्मार्टफोन पे मिल जाते हैं, लाइक लो सॉल्ट, लो रिंसेट का, मशीन केयर का या प्रोग्राम के कम्प्लीट होने का। तो ये सारा नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ले सकते हैं। अप्लाइंस का सॉफ्टवेयर भी आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड भी अपने सॉफ्टवेयर को डे बाई डे इम्प्रूव करता रहता है, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने डिशवॉशर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमेशा आपके पास बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स आपको अपने डिशवॉशर में मिलेंगी। देन ईजी स्टार्ट असिस्टेंट मिल जाता है। आप अपने डिशवॉशर को बता सकते हैं आप किस तरीके के यूटेंसिल्स आप वॉश करने वाले हो, तो डिशवॉशर आपको आपके यूटेंसिल्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल साइकिल आपको रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पर डिशवॉशर यूज़ करना और ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसमें रिमोट डायग्नोसिस का। कई बार छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए हमें सर्विस इंजीनियर की विजिट का रिक्वायरमेंट होता है, बट इस डिशवॉशर के अंदर आप उसको रिमोटली डायग्नोज करके कस्टमर केयर टीम के साथ आप उसको कंसल्ट करके आप फुलफिल कर सकते हैं। तो एक बार इस डिशवॉशर को हम लोग ओपन करके इसके इंटीरियर को भी चेकआउट कर लेते हैं। टोटल 3 बास्केट्स आपको इस डिशवॉशर के अंदर देखने को मिलती है। बॉटम साइड पे इसका लोअर बास्केट मिलता है आपके हैवीली सॉइल डिशेज के लिए। देन आपके अपर साइड में आपका नॉर्मली सॉइल डिशेज के लिए, स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए आपको बास्केट मिल जाता है। देन एक सेपरेट कटलेरी ट्रे मिलता है, तो जितना भी कटलेरी आप इस ट्रे के ऊपर प्रॉपर तरीके से रख के वॉश कर सकते हैं। एंड इसकी बॉटम ट्रे के रेयर साइड के रैक्स को भी आप इसमें इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई बड़ा डायमीटर वाला यूटेंसिल्स है तो इन रैक्स को फोल्ड करके आप उसको प्रॉपर तरीके से इसमें प्लेस करके आप उनको ईजिली वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये फोल्ड हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस में देखने को मिल जाता है। देन इसकी अपर बास्केट्स के भी फोल्डेबल हमें टिन्स देखने को मिलते हैं, तो इसके भी आपको टिन्स को फोल्ड करके आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन इस डिशवॉशर के अपर बास्केट के अंदर आपको 3-स्टेज रैकमैटिक का फीचर देखने को मिलता है, तो उसकी ट्रे को भी आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूटेंसिल्स की हाइट के हिसाब से। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स में आप इसको
अप एंड डाउन कर सकते हैं। थ्री स्टेज रैकमेटिक डिज़ाइन आपको इसकी अपर वाले बास्केट में देखने को मिलेगा, तो इसकी अपर वाले बास्केट को आप तीन लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको डिशवाशर की बॉटम बास्केट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए आपकी बल्की डिशेस के लिए, तो अपर वाले बास्केट को आप ऊपर कर सकते हैं। या आपको अपर बास्केट में हाई लॉन्ग स्टीम ग्लासेस रखने हैं तो उनके लिए आप इसको डाउन कर सकते हैं। तो इजीली आप स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने यूटेंसिल्स की हाइट के हिसाब से। सो इस ट्रे में लगे हुए पुश एंड पुल मैकेनिज्म की हेल्प से आप इजीली इस ट्रे का हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन डिशवाशर के क्लीनिंग के लिए आपको इसमें स्प्रे आर्म देखने को मिलता है। एक स्प्रे आर्म इसके आपको बॉटम साइड में देखने को मिलता है, तो यहाँ से वाटर का स्प्रे होता है। देन एक और स्प्रे आर्म इसके अपर वाले बास्केट के बॉटम साइड में देखने को मिलता है। देन एक एडिशनल टॉप शावर आपको देखने को मिलता है आपके इसके टॉप पे, तो वहाँ से भी रिंसिंग इफेक्ट आपको आपके यूटेंसिल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। देन बॉटम साइड में इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है, तो जितना भी बिग फूड पार्टिकल है इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप निकाल के इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके आप वापस इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी बिग फूड पार्टिकल आपके ड्रेनेज पाइप में नहीं जाएगा, तो जितना भी बिग फूड पार्टिकल है इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके वो कलेक्ट हो जाता है। देन एक सेपरेट सॉल्ट कंटेनर मिलता है आपके सॉल्ट को रखने के लिए, तो इसमें पूरा एक पैकेट सॉल्ट को आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें फिल हो जाता है, तो जब ये सॉल्ट ख़त्म हो जाता है डिशवाशर आपको इंडिकेट करेगा, देन आपको उसको दोबारा रिफिल करना होता है। देन डिशवाशर के डोर के ऊपर आपको इसका डिटर्जेंट कंटेनर देखने को मिलता है, इसमें डिटर्जेंट पाउडर या टैबलेट आप इसमें रख के वॉश कर सकते हैं। देन ये रिंसेड लिक्विड कंटेनर देखने को मिलता है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं रिंसेड लिक्विड से। तो जब ये रिंसेड ख़त्म हो जाता है तो डिशवाशर आपको इंडिकेट करता है इसको दोबारा आपको रिफिल करना होता है। तो एक बार इस डिशवाशर को ऑन करके इसके प्रोग्रामिंग्स एंड सेटिंग्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो एक बार इसको हम पावर ऑन करते हैं यहाँ से। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम डिशवाशर को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका वाटर हार्डनेस लेवल को सेट करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर हाफ लोड के नीचे आपको सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करेंगे, देन आपकी हार्डनेस सेटिंग्स आपके डिस्प्ले हो जाएगी। अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखा रहा है वो H2 दिखा रहा है, तो आप अपने एरिया के वाटर हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टार्ट के बटन से आप इसकी सेटिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये टोटल आपको S7 तक की मैक्सिमम सेटिंग देखने को मिलेगी। अगर आपके यहाँ नॉर्मल वाटर आता है तो आप इसे 2 या 3 पे भी रख सकते हैं। तो हार्डनेस के हिसाब से आप सेटिंग को आप रख सकते हैं, जिससे आपको परफेक्ट ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको डिशवाशर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अब एक एक करके इस डिशवाशर के सारे वॉशिंग प्रोग्राम्स एंड वॉश ऑप्शन को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इको 50 डिग्री का, जिसमें 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये डिशवाशर आपके यूटेंसिल्स को वॉश करता है। तो बेसिकली ये एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है, 3 घंटा 50 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है ऑटो 45 to 65, तो ये एक सेंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, तो यूटेंसिल्स के डर्ट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, एंड इसका टोटल टाइमिंग आपको मिलता है 2 घंटा 20 मिनट का। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का, ये बेसिकली आपकी हैवीली सॉइल डिशेस के लिए प्रोग्राम है, जिसमें 2 घंटा 40 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें नॉर्मल 65 डिग्री का, तो जितने भी आपके नॉर्मली मिक्स ऑयल डिशेज हैं आप इस प्रोग्राम के अंदर उनको वॉश एंड ड्राई कर सकते हैं, 2 घंटा 20 मिनट का इसका टाइमिंग रहता है। देन अगर आपने यूटेंसिल्स को सिर्फ प्रिरिंस करना है तो प्रिरिंस का भी प्रोग्राम आपको मिल जाता है 15 मिनट का। देन ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें फेवरेट का, जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करके सेव कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विक वॉश में सेटिंग में सेव है, जो कि 44 मिनट्स का इसका प्रोग्राम है। देन इन वॉशिंग प्रोग्राम्स के अलावा आपको ये डिफरेंट वॉश ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। सपोज आपने ऑटो 45 to 65 डिग्री का प्रोग्राम लगाया है, जिसमें मशीन टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 20 मिनट का, आप चाहो तो इसमें इसका ड्राइंग को लेवल को भी आप बढ़ा सकते हो। जनरली जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होते हैं वो प्रॉपर ड्राई नहीं होते, तो एक्स्ट्रा ड्राई के वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करके आप इस डिशवाशर का ड्राइंग का एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि प्लास्टिक के यूटेंसिल्स भी आपको प्रॉपर तरीके से ड्राई मिले। देन सेकंड वॉश ऑप्शन मिलता है आपको इंटेंसिव जोन का। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर हैवीली सॉइल डिशेज और डेलिकेट यूटेंसिल्स आप एक साथ वॉश कर रहे हैं, तो जितने भी हैवीली सॉइल डिशेज हैं आपने इसके लोअर वाले बास्केट में रखने हैं, एंड डेलिकेट यूटेंसिल्स आपने इसके अपर वाले बास्केट में रखने हैं। तो इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि देन लोअर वाली बास्केट में जो वाटर का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और अपर वाली बास्केट में जो वाटर का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो एक साथ आप अपने हैवीली सॉइल डिशेज एंड डेलिकेट यूटेंसिल्स को एक साथ वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेंसिव जोन। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हाफ लोड का। अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है और कम क्वांटिटी में बर्तन है, तो आप किसी भी प्रोग्राम के साथ आप हाफ लोड के वॉश ऑप्शन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि डिशवाशर ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करें, तो आप वेरियो स्पीड प्लस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो वेरियो स्पीड प्लस को एक्टिवेट करने से जो डिशवाशर का टाइमिंग है वो 50-60% रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर डिशवाशर फास्ट काम करेगा और जल्दी आपको यूटेंसिल्स वॉश एंड ड्राई मिल जाएंगे। देन इसके अलावा डिले वॉशिंग का भी आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, तो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का आप डिले टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो डिशवाशर को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने 24 घंटे बाद का प्रोग्राम लगाया है तो डिशवाशर 24 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा और सारे यूटेंसिल्स को वॉश एंड ड्राई करके दे देगा। देन इस डिशवाशर की वारंटी एंड सर्विसेज की बात करें तो 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस डिशवाशर में मिलता है एंड 10 ईयर का इसका एंटी रस्ट वारंटी। मतलब अंदर वाले इनर वाले टैंक पर अगर कहीं भी रस्ट लगता है तो 10 साल तक ब्रांड को आप क्लेम कर सकते हैं।